क्या कारण रहा कि सिंधिया जी की प्रतिष्ठा दांव पे लगी थी या शिवराज सिंह जी के कारण ये सब हुआ? दोनों की प्रतिष्ठा, सीयू और ज्योति और भाजपा का संगठन और पन्ना का योद्धा, बूथ का योद्धा, सेक्टर का योद्धा, मंडल का योद्धा, जिले के योद्धा और चुनाव प्रभारी है ना जो हमारे योद्धा, इन सब की जीत है। और सांवेर के मतदाताओं को बाकी में प्रणाम करता हूँ। जीत उनकी 2-2.5 हज़ार का अंतर था, इस बार जो है आंकड़ा बढ़ गया है, क्या लगता अभी और बढ़ेगा? आप रुको सही, मैंने बोला है साधु शैतान की लड़ाई है, फिर भी आप पूछ रहे हो मुझसे क्या क्या उम्मीद है आपको, कितने वोटों से आप जीते? ये तो मेरे से बेहतर जो जिले के जिनके नेतृत्व में भाजपा के नेतृत्व में काम करता हूँ हमारे राजेश जी के, इनके ये मेरे से बेहतर बता सकते। बहुत आरोप लगे हैं आपके ऊपर, जनता ने सब खारिज कर दिए। सुनो, जनता ने सारे खारिज कर दिए। जनता से बड़ा प्रमाण पत्र कोई होता है क्या? कांग्रेस बची कहाँ, धरातल में चली गई। मैंने कहा था ना कि 2018 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी, माफ करो महाराज, हमारे नेता शिवराज, अब सिंधिया जी, हम सब भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो कांग्रेस तो धरातल में जमीन में चली गई। अच्छा एक आखिरी सवाल, गुड्डू भैया का आपने कहा था कि इंडेक्स में भर्ती डिस्चार्ज कब करवाएंगे? सौरभ इधर आना, आगे पीछे का नहीं, उनके स्वास्थ्य के मैं ईश्वर से कामना करता हूँ, जल्दी स्वस्थ हूँ।